आज तैयारी कर रहे हैं हम निकलने के रुद्रप्रयाग के लिए। ये जो रूम था हमारा पारिक होटल वाला, ये हमने खाली कर दिया है। सामान वगैरह सब कुछ पैक कर दिया हमने। दो बैग जो है नीचे ले गए पापा, और पापा एनवाइज ऑलवेज नीचे चले जाते हैं जल्दी जल्दी, वो कहते हैं फटाफट से आप आ जाओ। तो अब बिना देरी किए जो है निकलते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। सो गाइस रवाना हो गए हैं हम, एंड अभी पकड़े ऋषिकेश रोड। सुबह के बज रहे हैं 7:30, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और पेट्रोल एकदम टंकी फिल करवा ली है, क्योंकि रास्ता काफी बड़ा है और आगे पहाड़ों में क्या पता यार, हम तो फंस गए रुद्रप्रयाग, वहाँ पेट्रोल पंप है नहीं है। अभी जाएंगे तब आपको बता देंगे कि वहाँ पर पेट्रोल पंप आपको लास्ट कहाँ भरवाना चाहिए। वैसे कहीं भरवा लो, अगर यहाँ से निकल रहे हो तो भरवा लो ताकि आप टेंशन फ्री रहो। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर तो क्या आप टैंक फुल कराओ तो बढ़िया है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो सबसे सस्ता पेट्रोल है वो यहीं पर है। तो फिलहाल मैंने जो पेट्रोल भरवाया है वो था 94 रुपये 95 पैसे, मतलब करीब 95 रुपये। और अपने जो राजस्थान के अंदर में बीकानेर में जो प्राइस है वो है 111 रुपये एंड कुछ पैसे। तो गाइस अभी क्या है कि मतलब पहाड़ों पर चढ़ने से पहले मतलब सुबह का टाइम भी हो गया, तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। बच्चों ने दूध भी नहीं पिया, चाय कॉफ़ी है जो भी दूध कॉफी वो मंगा लेते हैं। खा रहे हैं अभी मस्त आलू का पराठा। अरे रे नेट नहीं है, यहाँ पर एक समस्या है, नेट नहीं चल रहा है। तो गाइस नाश्ता वास्ता हो गया है, अब निकलेंगे सीधा ऊपर पहाड़ों में। अब खाएंगे खीरा, क्योंकि खीरा है सदा के लिए। गाइस लगभग जो है 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है, एंड 15 से 20 किलोमीटर सफ़र के बीच में कहीं रुकना पड़ गया हमें थोड़ा सा, बट जो यहाँ पे जो व्यू मिला ना वो एकदम एपिक है। सो फाइनली आ गया रुद्रप्रयाग में, एंड मतलब 2 किलोमीटर जो है दूर है। एक्चुअली टाइम जो है वो हो गया 1 बज गए, सबको भूख लग गई है, तो यहाँ कुछ खाना वाना करेंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह मतलब दिखने में एवरेज है, खाना कैसा है आई डोंट नो। यहाँ पर गढ़वाली खाना ज़्यादा मिलता है। वैसे सेटल हो गए हैं खाना खाने के लिए। खाने में मतलब नॉर्मल एकदम दाल रोटी और आलू की सब्जी मंगाई हमने, क्योंकि पता नहीं पनीर वनीर कैसा बनाएंगे, पनीर क्या बना देंगे, सब बैठिए आराम से घर वाले। दाल तो सही है, दाल मैंने टेस्ट की है, दाल कैसी है? बैलेंस है। इन सभी कुछ भी पूछ रहे हैं, बैलेंस है, ये बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं, अभी तक मैंने पहले ही। सो गाइस आ गए हैं यहाँ पे, एंड हम रुके हैं जो मेरी इच्छा थी जहाँ रुकने की, काली कमली वाली। ये धर्मशाला है, विश्राम गृह है, बाबा काली कमली वाला यात्री विश्राम गृह। सो ये बेसिकली जो है कि थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा बाहर आएंगे वहाँ पर है, एंड आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये जो टनल है, ये जो रास्ता जाता है ये जाता है केदारनाथ, और यही रास्ता हम जब निकलेंगे एंट्री के जब करते हैं आप रुद्रप्रयाग में, और आपको यहाँ पर आना है तो आपको मार्केट में से आना पड़ेगा। और अगर आपको निकलना है वापस तो बाईपास जो है इधर से जाएगा और आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा वो बाईपास। और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो मतलब विश्राम गृह के जस्ट पास में जो है ये पतली सी गली जो जा रही है, ये जा रही है जो जो संगम है अलकनंदा का और मंदाकिनी का, वो संगम पे जाएगी। प्लस रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पर भी ये जो है 100-150 मीटर की ये रोड है, ये जाएगी अंदर जो गली है। और मार्केट जो है काफ़ी पीछे है, और अब आपको दिखाता हूँ मैं विश्राम गृह। चलिए जो दिशा को बताया मैंने, मेन मार्केट की रोड है, जैसे ही आप आएँगे
इस तरफ जाने के लिए, तो आपको ना जो है मिल जाएगी। ये नाम देखो, बाबा गमली वाला यात्री हम गए। और ये पूरी है विश्राम गृह है, धर्मशाला है, यहाँ से आपकी एंट्री रहेगी। रुद्रप्रयाग के अंदर में धर्मशाला से जो व्यू मिलेगा वैसा व्यू कहीं से नहीं मिलेगा। जस्ट इसके बैक में आप, बहुत प्यारा, बहुत सुहावनी जगह है। कुल मिला के बात यह है, छाँव के टाइम में ये देखिए आप जो बड़े बड़े चट्टान दिख रही है, आप आराम से जाकर के ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। आपको लगेगा हर वीडियो में हमेशा जो भी जगह होती है एकदम जो पीसफुल, वहाँ हमेशा बोलता हूँ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मेरे को पता नहीं क्यों कहता हूँ मैं, बट अपना निकलती है सब चीज़ें। अब सर के पास चलते हैं, कुछ डिटेल्स है, ये ऑफिस है यहाँ का, और कुछ डिटेल्स हैं वो सर को लिखवा देते हैं यहाँ पे। सो हमने जो रूम लिया है वो है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और एकदम इजी स्टेयर्स है, ऐसा नहीं बहुत आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये बड़े बड़े इसमें आपको मिलेंगे दो बेड, और पीछे अगर आपको दिखाऊँ कि मैं आपको यहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे अच्छा वाला। रूम भी बड़ा है काफ़ी। फिलहाल सब जो है रेस्ट कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, बट अपने करेंगे एडिटिंग। तो गाइस हम निकल गए हैं, अब समझ रहे हो आप, बस समझ रहे हो। हम निकल गए चढ़ाई पे, चढ़ाई पे बहुत। जो मैंने बताया था ना आपको सुबह, वो गली जाती है, गली जाती है, पतली सी गली है एक्चुअली, इंक्लाइन है ना जो चढ़ाई है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल वाली है। मजा आ रहा है बेटे, किसका सांस पूरा है, इसका चारवी का सांस फूल रहा है। ये गली देखो कितनी प्यारी है यार, एकदम पतली सी। तो पापा मम्मी हमसे करीब जो 15-20 मिनट पहले आए थे वो भी तक यही बैठा है, क्योंकि मम्मी का जो है वो सांस उठता है। मम्मी मना कर रही है जाने के लिए, तो गजब क्या गजब की आवाज़ आ रही है। मेरे बाल छोटे तो आप उड़ते देखेंगे नहीं, मेरे देख लो, इसके भी नहीं देखेंगे, चारवी की देखेंगे, चारवी छोटी बना, थोड़ा नीचे चलते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देख पा रहा हूँ जो संगम हो रहा है, हाँ हाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी का। चारवी वही चाहिए। चारवी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा, खिल लिए बहुत मम्मा। सो ये हो रहा है दो नदियों का संगम, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये है अलकनंदा, और मेरे सीधे हाथ में देखेंगे तो ये है मंदाकिनी। और हैनू से गुजारिश रहेगी कि वो अच्छा से हमारा वीडियो बनाए। मामा गए हैं नहाने, मामा गए हैं नदी में स्नान करने। अब वहाँ तो जा नहीं सकते कि एज अलकनंदा का बहाव बहुत तेज़ है, तो मामा अभी मंदाकिनी में ही स्नान करेंगे। एंड मामा के जाते ही मामा के पहले रिव्यूज़ हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। ये गई मामा की भांजी, ना भैया ना।
चारू ज्यादा दूर मत जाना। अरे भाई मजा आ गया। अभी कान्हा जी गए पहली डुबकी क्या बात है। ये दूसरी डुबकी, तीसरी, चौथी, पांचवी। कान सुने हो गए। अरे रे मैं जाऊं क्या मम्मी? मम्मी मैं जाऊं क्या? मम्मी मैं भी जाऊं क्या? तो मामा का चैलेंज फेल हो गया। मामा ने सिर्फ लगाई 5 डुबकियां। माइक देख के ऐसा कर रहा है। वैसे संगम में स्नान करने के बाद में अब हम जा रहे हैं प्राचीन जो रुद्र महादेव मंदिर है उसमें। तो काफ़ी साल पहले जब नारद मुनि जी थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की एंड भगवान शिव को मनाने के लिए भगवान शिव से जो है वीणा की दीक्षा लेने के लिए काफ़ी तपस्या की। फिर सांस फूल ली क्योंकि ना सीढ़े चढ़काए ऊपर इसलिए संभाल सही कर लेते हैं पहले। तो तपस्या करने के उपरांत महादेव जी ने रुद्र रूप में उनको दर्शन दिए, उनकी मनोकामना पूरी की और इस मंदिर की स्थापना हुई। सो ये है प्राचीन मंदिर रुद्र महादेव का। हर हर महादेव। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, अंदर जल चढ़ाया और एकदम साक्षात है ना, मतलब इतना सुकून मिला मंदिर में जा कर के। और मंदिर में सिर्फ हमारी फैमिली थी, अंदर जो निज मंदिर था उसमें और कोई नहीं था। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ घंटों भर बैठे रहूँ बस। तो यहाँ से आपको जो संगम है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मंदाकिनी, अलकनंदा, और मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी। और ये जो स्थान देख रहे हैं आप, दुनिया बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये स्थान देख रहे हैं, इस स्थान में नारद मुनि जी ने तपस्या की महादेव जी की और बहुत बहुत साल बाद में जो है उनको उनकी तपस्या का फल मिला। उनको उनके जो गुण थे, वीणा जो यंत्र वो बजाते थे, वीणा का जितना भी ज्ञान है वो सारा महादेव जी ने जो है नारद मुनि जी को दिया। नारद मुनि जी और ये जो नारद मुनि जी के हाथ में वीणा देख रहे हैं, ये यहाँ पर तपस्या करने के बाद, जैसा आपको स्टोरी बताई मैंने, तपस्या करने के बाद में जो है वीणा महादेव जी ने रुद्र रूप में इनको यहाँ पे वीणा दी। तो अंदर चलते हैं और चरणा मत लेते हैं। तो गाइस अभी 8 बज गए हैं, अपने रूम में आए हैं, थोड़ा घूम फिर करके नीचे एक दादा जी मिल गए थे, उनसे भी बात बात करने लगे थे। सो अभी लगाया है वीडियो अपलोड पे, एक वीडियो एडिट कर दिया है मैंने, अब एक एडिट करने बैठूंगा तो अपलोड लगाया है। अपलोड इतना मतलब आधा घंटा से ऊपर दिखा रहा है, 40 मिनट दिखा रहा है अपलोड। नेट की स्पीड एकदम स्लो, एकदम सब आराम से चल मार रहे हैं रूम के अंदर। मम्मी लेटे हैं मोबाइल देख रहे हैं, मतलब बैठे मोबाइल देख रहे हैं, पापा लेटे हुए हैं, चार भी हैं, खाखरा खा रहे हैं, चार भारी खाकर भुजिया
तो चलो थोड़ा काम करते हैं, फिर कुछ देखते हैं खाने के लिए। नीचे में एक छोटी संगम होटल करके है, वहाँ देख लेंगे। नहीं तो यहाँ पर भी जो है कुछ खाने के लिए व्यवस्था है, यहाँ पर भी यहाँ कुछ करेंगे। बट इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, बहुत ज़्यादा स्लो। खाना खाने के लिए आए हैं एंड हम क्या है कि जो काली कमली धर्मशाला है इसकी इसका जो मैस है उस मैस में आए एंड यहाँ पे जो खाना है वो बहुत सही है। नहीं अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, पापा को पापा मम्मी दोनों नीचे ही है, बोले खाने का मन नहीं है, उनको लग रहा खाना कैसा मिलेगा कैसा नहीं। चारवी खा रही है, चारवी क्या खा रहे हो आप? बोल मंगू। चारवी क्या खा रही बता तो। बोल मंगू। मैंगो रस। गुठली गुठली मैंगो चूस रही है, ये मैंगो की गुठली की बच्ची चूस रही हूँ। गुठली की बच्ची चूस रही है, मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? जोरदार जबरदस्त। भाई साहब, अरे भाई साहब वो आपका मामा जी हूँ मैं, आपका मम्मी के भाई साहब। बोल मम्मी के भाई साहब। सभी खा रहे खाना, और खाने के अंदर में है भिंडी की सब्जी, आलू तोरी की सब्जी, दाल चावल सलाद मिर्ची पापड़। टेस्ट की बात करूँ अगर मैं तो बहुत डिसेंट है, और सात्विक खाना है। सात्विक खाना मतलब ऐसा है ना, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल खाना है। हिंदू का छोटा खाना अच्छा लगा खाना? कम दिख रहा है। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हो तो आपके लिए नहीं है। ओके, खाना उन्होंने खा लिया है, खाना एकदम परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पसंद आया। अभी जाते हैं नीचे पानी की बोतल लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पानी थोड़ा सा सीन ऐसा है, मेरे को तो पानी आकर पसंद नहीं है। किन्नी की बोतल मिल रही है, किन्नी की पैक बोतल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेंगे पानी की बोतल लेकर आते हैं। सो अभी मैं और हैनू निकले हैं, निकले तो पानी लेने के लिए थे, बट मैंने कहा छोटी सी वॉक ले लेते हैं, थोड़ी सी वॉक एकदम ऐसे। यहाँ पर एक लाइट है तो मैंने कहा यहाँ वीडियो बना लेते हैं, बाकी अंधेरा है। मतलब नीचे अलकनंदा नदी और ऊपर में शहर बसा हुआ है रुद्रप्रयाग पूरा, ये सीन देखो, ये देखो क्या गजब लग रहा है। देखो मेरे पास में वो बेस्ट क्वालिटी वाला मोबाइल नहीं है, सो वॉक पे तो चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो ये सारी गाड़ियां जो है ये जा रही है केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के। हाँ रात के समय, मतलब ये एक्चुअली ये सवारी लेकर आई है कि शायद रात के समय में यहाँ स्टे करेंगे और सुबह निकल जाएंगे। रात के समय काफ़ी डेंजरस होता है। हाँ रात के समय में इस अभी जैसे ये गाड़ी जा रही है शायद, भले ही सोने को मिल जाता है बट बहुत डेंजरस होता है रात को जाना। सो अभी आए हैं रूम में, और मतलब मेरी कमर दुख रही है, कंधे तो दुख रहे, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची को देखो, इसको मेरे कंधे दबा रही है अपने आप ही। प्यारी बच्ची क्यों दबा रही है मेरे कंधे? क्योंकि मैं काम को, इसको पता है मेरे को एडिटिंग करनी है, और देखो बाकी सब तो सो रहे हैं, ये तो आराम से मजे लेंगे। पापा नीचे सो गए, मम्मी ऊपर सो रही है, हैनू ऊपर सो रहा है, और मैं करूँगा अभी काम, एडिटिंग करूँगा। अभी बज गए हैं 10:15, अब करेंगे एडिटिंग एंड बस फिर कल निकलेंगे सुबह हरिद्वार के लिए। इस वीडियो करते हैं पेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय, गुड नाइट, अपना और अपनों का ध्यान रखो। तो ये देखो रात को, आधी रात को इनफेक्ट मैंगो पार्टी चल रही है इनकी, नाना लायन के लिए आम, और ये बंदर खा रहे हैं आम। इधर दिखाओ बंदर, तेरा मुंह दिखाओ, भले इसका नाम आम है पर ये कभी आम नहीं रहेगा। नो मोर कॉमन आम नहीं देगा, क्यों? ये आम नहीं है, ये खास है, ये खास है। मैं बंदर। Okay.